वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई तरुण सर, योर इंग्लिश ग्रामर टीचर, इज गोइंग टू गिव यू फ्यू टिप्स हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश ग्रामर। इस दौरान आप लोग के पास समय बहुत अच्छा है, तो आप इंग्लिश ग्रामर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ये मैं आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात तो डेली 10 to 20 सेंटेंसेज आप ट्रांसलेशन के ज़रूर करिए। ये मैं इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर दे रहा हूँ, मैं इंग्लिश स्पीकिंग का नहीं दे रहा हूँ। तो इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हैं वो है ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन कैसा, आप ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश करिए। इतने एप्लीकेशंस आ चुके हैं, इतने गूगल पे इतनी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप उनसे भी कहीं ना कहीं हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, मैं तो हेल्प करता रहूँगा आपकी, आई वुड बी हेल्पिंग माई स्टूडेंट्स। लेकिन ट्रांसलेशन जब आप कर रहे हों तो जानने के लिए कि आपने सही ट्रांसलेशन किया है कि नहीं, आप इन एप्लीकेशंस का हेल्प ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने ही आप से पहले करने की कोशिश करिए। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊंगा कि हिंदी का एक सेंटेंस है दैट मैं आ गया, तो अगर बाय चांस आप हिंदी में ये एक तरीके से आपने सेंटेंस लिखा, अब आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, आपको लगता है कि मैंने जो सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट किया वो गलत है, आई हैव कम इसका ट्रांसलेशन हुआ। कुछ लोग लिख देंगे आई कम, कुछ लोग लिखते हैं आई कमिंग। तो अब इसको सही करने के लिए या तो आप अपने टीचर से कनेक्टेड हो कि वो आपका ट्रांसलेशन चेक कर दें, या तो फिर आप ऐसा एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए जिसमें अगर आप ये हिंदी का सेंटेंस डालेंगे तो बिल्कुल सही तरीके से वो इंग्लिश का ट्रांसलेशन बताएगा। लेकिन फर्स्ट स्टेप यही है दैट यू वुड बी डूइंग दिस ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस ऑन योर ओन, अपने आप से करना है। डेली 10 to 20 सेंटेंसेस आप करेंगे, और अगर आपको लगता है कि आपके पास और भी टाइम है तो कहीं ना कहीं 10-20 सेंटेंसेस से आप ज़्यादा बढ़ जाइए। दूसरी चीज़, अगर आप लोग को इंग्लिश ग्रामर में थोड़ा बहुत प्रोफिशिएंसी चाहिए, इसका मतलब आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, तो सबसे बड़ी बात तो ये है दैट आप ये बुक है CBSE, खासकर CBSE की जो बुक्स होती हैं क्लास 6th, 7th, 8th की, CBSE की बुक्स में आप ये देख सकते हैं दैट इन बुक्स में आपको कंप्लीट ग्रामर जो एक्चुअली में एक बच्चे को आनी चाहिए, और दूसरी चीज़ जो 12वीं के बाद भी काम आती है, वो आपको 6th, 7th, 8th की बुक में मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड थिंग पे आता हूँ, इस सेकंड थिंग में पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर देर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, और ये जो बुक मैंने आपको दिखाई, कई लोगों के पास नहीं भी होगी, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, वेबसाइट पे काफ़ी बुक्स फ्री में अब अवेलेबल होने लगी हैं जब से ये लॉकडाउन पीरियड आया है, तो आप उन पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख सकते हैं कहीं पर भी। जैसे ये बुक्स कम्प्लीटली इंग्लिश में हैं, इसमें हिंदी का कोई भी एक वर्ड नहीं है, तो कोई भी सेंटेंस में अगर आप अटक जाते हैं तो उसका फिर से वो आप काम करिए गूगल ट्रांसलेटर, वो आपके इंग्लिश को हिंदी में बदलेगा। इस तरीके से आप धीरे धीरे सीखिए। आप लोग को करना क्या, जब आपके पास टाइम है तो उसको यूज़ करिए, लेकिन 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच पे जिसका कमांड बन गया, एग्जांपल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे हम लोग बचपन में कैसे पढ़ते थे, पहले एक डेफिनेशन लिखी, फिर एग्जांपल, फिर टीचर ने हमें एक रिवीजन के रूप में एक टास्क दे दिया दैट एक और एग्जांपल लिखो, तो हम लोग अपने मन से एग्जांपल लिखते थे। वैसे ही आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए करिए। अगर आपने नाउन का लेक्चर पढ़ा है तो नाउन में जो बुक में एग्जांपल दिया है वो बुक का एग्जांपल आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, और अलग से अपना एग्जांपल्स खुद भी दीजिए। बात समझ रहे हैं? सो ट्रांसलेशन मैंने आपको बताया, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया, फिर मैं आपको तीसरा जो टिप देने जा रहा हूँ ग्रामर का, वो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, इंग्लिश का जो न्यूज़पेपर है, ग्रामर की सबसे बैकबोन जो कहते हैं जिसको, उसको कहते हैं वोकैबुलरी। एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर आप उठा लीजिए, इंग्लिश के न्यूज़पेपर में आपको 10 से 15 वर्ड्स मिलेंगे, एक हेडलाइन में 10 टू 15 वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो कि आपको नहीं आते होंगे। जो बिगिनर्स हैं, जो डेली पढ़ रहे हैं, शायद उनको उनकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। अगर वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर की हेडलाइन आप पढ़िए, उसमें से जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको हाईलाइट करके एक रजिस्टर में लिखते चलिए। ये तीनों एक्टिविटीज़ अगर आप डेली करेंगे तो आपको सबसे पहली बात तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्रांसलेशन और वोकैबुलरी, ये तीनों पैरेलल आप चलाइए, आपको 3-4 महीने में आपकी ग्रामर सुधरते हुए नज़र आएगी। यू विल फाइंड दैट योर ग्रामर इज़ इम्प्रूविंग। मैं एक्सरसाइजेज के साथ और भी टिप्स इंग्लिश ग्रामर के आपको देता रहूँगा,
लॉग इन टू माई चैनल डिजायर करियर पॉइंट बाय तरुण सर. थैंक यू सो मच.